फोर्थ ईयर स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश क्लास आज सिलेक्शन की नंबर टेन लेसन है मेरे पास द फ्लाइन द अइंटमेंट विच इज़ अ शॉर्ट स्टोरी बाई वी एस प्रोजेक्ट और दिस इज़ एक्चुअली अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन हु इज़ अ मेटेरियलिस्टिकसन एंड हु to boost his business and to earn money, uh, but one day, uh, due to different circumstances he lost his business and he got bankrupt. क्रप्ट तो उसके बाद क्या होता है कि जब उसके पूरा बिज़नेस जो उसने इतनी मेहनत से खड़ा किया वो बिल्कुल बैंक्रप्ट हो जाता है हर चीज़ ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद उसका कह लें कि Uh, कुछ टाइम के लिए वो ये फ़ील करता है कि ही नीड्स पीस इन लाइफ और वो एक डिफ़रेंट टाइप ऑफ लाइफ जो है वो समझता है कि मुझे गुजारनी चाहिए लेकिन उस लम्हे जो है उसका जो सन है जो कि उसका बिल्कुल कह लेंगे करेक्टर थिंकिंग वाइज बिल्कुल अपने बाप के ऑपोजिट है तो वो उसको जब देखता है अपने बाप की बहुत ही बुरी सिचुएशन और उसको अंदर से जो है बहुत हार्ट ब्रोकन वो फील होता है उसको तो वो उसके पास कुछ सेविंग्स हैं तो वो थोड़ी ऑफ़र करते हैं अपने फ़ादर को कि अगर वो दोबारा से अपना बिज़नेस जो है उसको करना चाहते हैं तो उसका फ़ादर एकदम से जो है वो दोबारा अपना जो उसका एक रियल करेक्टर है एक मटीरियलिस्टिक होना और बहुत ज़्यादा कह लें कि इस सारी चीज़ के साथ उसकी जो इन्वॉलमेंट है तो वो एकदम से फिर जो है वो तैयार हो जाता है कि हाँ वो उसके लिए कह लें कि एक आ, उसके बेटे की जो ऑफ़र है लाइक अ रे ऑफ होप साबित होती है तो इस स्टोरी को हम आ, देखेंगे इसमें दो तीन चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एक तो जो कंट्रास्ट है आ, दोनों जो सन एंड फादर करेक्टर और थिंकिंग और नेचर और ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है लाइफ का वो दोनों का डिफरेंट है एक तो उसके बारे में और थोड़ा सा रिलेशनशिप जो है उसको भी आपने देखना है आ, उस चीज़ को हमने देखना है और एक ओवरऑल जो हम इसमें डिस्कस करेंगे Uh, के उसका जो फादर है उसका uh, जो पर्सनैलिटी है या उसका जो करेक्टर है उसके अंदर एक uh, जो एक ऑप्टिमिज़म का एक होपफुल होने का और फ्रॉम अ स्क्रैच एक दोबारा से न्यू बिगनिंग कह लें कि री करने का और नेवर गिव अप कि कभी भी किसी चीज़ को गिव अप नहीं करना चाहिए कीप ऑन ट्राइंग और एक ऑप्टिमिज्म जो है ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है एक स्ट्रेंथ है उसके करेक्टर की इसको भी हमने देखना है ये आ, कुछ इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स हैं जो आप ओवरऑल हम समरी में कवर करेंगे तो द फ्लाइन द इज़ अ ये मेरे पास ग्रंट है आपके पास कोई भी जो कंपोजिशन है वहाँ से इसको तैयार कर सकते हैं अब ये जो लेसन हम पढ़ेंगे मेरा आपको ये मशवरा है कि आप इनकी सिर्फ समरीज याद करें क्वेश्चन आंसर्स अगर आप इस्लामी कल्चर तक अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके पास इतनी चॉइस होगी कि आप क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आ, किसी एक लेसन के कर सकते हैं तो ये आगे जो समरीज हम पढ़ेंगे इनमें से जाँस होता है कि कोई एक समरी जो है वो आ जाती है तो सिर्फ़ समरी ही आप अच्छे तरीके से याद कर लें यह आपका काम भी है हाफ़ समरी आप कल याद कर लें और हाफ़ जो है वो उसके एक दिन बाद आप याद कर लें दो दिन में इसको डिवाइड कर लें द फ्लाइन द आइंटमेंट इस रिमार्क की शॉर्ट स्टोरी एक बहुत ही काबिल जिकर एक अहम शॉर्ट स्टोरी है इट पिज एन ऑप्टिमिस्टिक ओल्ड मैन हु इज़ रेडी टू स्टार्ट न्यू लाइफ आ न्यू डिस्पाइट हिज बैंक करप्टसी इन ओल्ड एज के उसका जो ऑप्टमिज़म है उसकी जो रोशन ख्याली है एक बूढ़े शख्स की कि वो बैंक्रप्ट हो जाता है बैंकपिस के बावजूद बैंक्रप्ट होने के बावजूद जो है Uh, वो तैयार है अपने बुढ़ापे के बावजूद और अपनी कह लें कि इतने ज़्यादा क्राइसिस uh, के बावजूद कि हर चीज़ उसकी ख़त्म हो चुकी है दिवालिया हो चुका है बिज़नेस ख़त्म हो चुका है वहाँ से दोबारा से नया स्टार्ट करने के लिए तैयार हो जाता है ही हैज़ एंड अनफ्लुशिंग फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन और उससे अपने ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा अतमाद है यकीन है दिस मेक्स ई मैन इंस्पायरिंग करेक्टर इससे उसका करैक्टर जो है किरदार बहुत ही इंस्पायरिंग बन जाता है इन द एंड ऑफ द स्टोरी ही वांट्स टू हैव अ पीसफुल लाइफ आखिर में हम ये देखते हैं कि स्टोरी के एंड में कि वो चाहता है कि वो एक पुरस्कून जिंदगी गुजारे बट ही सन्स ऑफर ऑफ उफ मनी प्रूव अफ्लाइन द अपॉइंटमेंट लेकिन जैसे ही उसका बेटा उसको ऑफ़र करता है पैसे की कि अगर वो चाहे तो दोबारा से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है तो वो एक फ्लाइन द आइंटमेंट साबित होती है यानी कि जिसको हम रंग में भांगे हैं जिसको आप कह सकते हैं एंड द ओल्ड मैन इज़ अगेन रेडी टू गेट इन टू द रश ऑफ बिजनेस लाइफ और दोबारा से वो बूढ़ा आदमी तैयार हो जाता है कि वो अपनी जो उसका बिज़नेस है बिज़नेस लाइफ है उसको दोबारा से उसके अंदर uh, मसरूफ़ होने के लिए उसमें शामिल होने के लिए उसी का हिस्सा बनने के लिए इस मोटो इज़ टू मूव विद टाइम सो उसका जो मकसद है वो ये है कि ज़माने के साथ चलना चाहिए एनओलमेंट ऑयल फॉर थर्टी ईयर्स टू बिल्डअप अ बिजनेस एक बुरा शख्स जो है वो तीस साल सख्त मेहनत करता है एक बड़ा कारोबार अपना बनाने में ही प्रॉस्पेक्टेड बट फॉर अ फ्यू ईयर्स एंड दैन ही वेंट बैंक्रॉप्ट कुछ सालों तक बड़ा वो प्रॉस प्रस रहा बड़ा उसने तरक्की की लेकिन उसके बाद वो बैंक्रप्ट हो गया यानी कि उसकी हर चीज़ चली गई दिवालिया हो गया हिस फैक्ट्री वॉज डिस्पोज उसकी फैक्ट्री बेच दी गई ऑफ नाउ ही हैड नो मनी टू स्पेंड अ गुड लाइफ अब उसके पास पैसे नहीं हैं अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ही सन हेरल्ड वॉज अ पुअरली पेड लैक्चर एट यूनिवर्सिटी उसका बेटा जिसका नाम हैरल्ड है वो यूनिवर्सिटी में एक मुलाजमत करता है लेक्चरर है वहाँ पे और उसकी इनकम भी बहुत ज़्यादा नहीं है ही हैड एवर टेकन एनी इंटरेस्ट इन इज फादर्स बिज़नेस अपने वालिद के बिज़नेस में उसने कभी ख़ास दिलचस्पी नहीं ली ही हैड नथिंग इन कॉमन विद इज फादर और उसका और उसके फादर के दरियान कुछ भी कॉमन नहीं है यानी कि बहुत ही अपोज़िट पर्सनैलिटीज़ हैं करेक्टर्स हैं उनकी थिंकिंग उनका परस्पेक्टिवस लाइफ के बारे में उनका व्यू हर चीज़ जो है वो टोटली totally डिफरेंट है वैन ई केम टू नो अबाउट हज़ फादर्स लॉस इज़ इज केम टू सी हिम जब उसको अपने वालिद के इतने बड़े नुकसान का पता चलता है वो उससे मिलने के लिए आता है द ओल्ड मैन वॉज़ वेरी प्लीज़ टू सी हिज सन तो वो अपने बेटे को देख के बड़ा खुश होता है ही टूक हिम इन टू हिज ऑफिस इट वॉज एम्पटी वो अपने दफ्तर में उसको ले जाता है वो खाली है अ चेयर टेबल टी पॉट एंड अ कप रिमेंड सिर्फ एक टेबल है टी पॉट है कप है चेयर है वहाँ पर यही सामान बाकी है ही आस्ट इन सन टू टेक टी वो उसको चाय के लिए कहता है वॉज ओनली वन कप वो इनकार कर देता है क्योंकि एक ही कप था वहाँ पर ही टोल्डर वर्ड अबाउट ही द ओल्ड मैन रिटेंड हिस्ट तो उसका बेटा उसको कहता है कि वो उसके बारे में परेशान था लेकिन Uh, जो बूढ़ा आदमी है वो बड़े अपने हौसले और हिम्मत में अपने उस प्राइड को बाकी रखता है हिम्मत उसके सामने यानी कि अपनी कमज़ोरी नहीं शो करता ई सैड दैट एवरी थिंग वॉज़ फाइन विद हिम और उसको बताता है कि सब कुछ ठीक था इट वॉज़ हिज़ बैड लक एट हिज़ बिज़नेस फील्ड और ये उसकी बदकिस्मती थी कि उसका बिजनेस नाकाम हो गया हेरल्ड अप्रिशिएटेड द करेज ऑफ इस फादर हेरल्ड को अपने वालिद की जो करेज जो हौसला जो ज़रूरत है हिम्मत है बड़ी पसंद आती है He said that he was an optimist और वो कहता है कि वो एक रोशन ख्याल इंसान है because he always looked at the bright side of things क्योंकि वो रोशन जो पहलू है हर चीज़ का सिर्फ उसको देखता है The old man said that he wouldn't be alive if he were not an optimist तो ओल्ड मैन उसको कहता है कि अगर वो ऑप्टिमिस्ट ना होता तो वो कभी भी जिंदा ना रहता Now the old man started advising his son अब उस वो जो बूढ़ा आदमी है वो अपने बेटे को नसीहत करनी शुरू करता है ही सेट दैट द वर्ल्ड वाइज चेंजिंग एंड अ मैन ऑलवेज मूव विद टाइम्स दुनिया तब्दील हो रही है और इंसान को वक्त के साथ साथ ही चलना चाहिए ही एडवाइस यू नॉट टू रिमेन कॉन्टेंट विद बीग अ लेक्चरर और उसको वो कहता है कि सिर्फ एक लेक्चरर हो के तुम्हें इस पर बिल्कुल आ, ही मुतमिन नहीं हो जाना चाहिए ही शुड एम एट हायर थिंग्स और उसके बड़े ऊँचे मकासद होने चाहिए हेरल्ड टॉट इट दैट थिंकिंग हाई हैड नॉट सेव्ड हिम फ्रॉम कम्प्लीट रोइन तो हेरल्ड उसको जवाब देता है कि आपकी जो थिंकिंग थी वो बहुत हाई थी लेकिन फिर भी वो आपको तबाह होने से बचा ना सकी एट दिस द फादर फेल्च हर्ट इस पर उसका बाप थोड़ा हर्ट हो जाता है उसको इतना अच्छा फील नहीं होता एट दैट मोमेंट दल्थमेंट द रूम उसी लम्हे जो बूढ़ा आदमी है उसको कमरे में एक मक्खी नज़र आती है ही गुडेंट स्टैंड फ्लाइज वो मक्खियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता ही स्टूड अप एंड रेन टू टर्न द फ्लाई आउट ऑफ द रूम और वो खड़ा होता है ताकि उस मक्खी को कमरे से निकाल सके इन दिस अटैम्प्ट गॉट टायर्ड इसमें वो थक जाता है एंड हिज एटीट्यूड वज चेंज उसका रवैया भी बदल जाता है अ माइनर इंसिडेंट रिमूव द मास्क फ्राम हिस्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी और ये छोटे से वाक्य से उसकी जो सख्त शख्सियत जो बाहर बहुत सख्त थी उसका मास्क उतर गया इनफैक्ट ही है डेवलप्ड अ डबल पर्सनैलिटी एक्चुअल में उसकी डबल पर्सनैलिटी थी आउटवर्डली ही सीम टू बी अ पावरफुल बज़ाहिर तो वो बहुत पावरफुल लगता था बट इनवर्डली ही वॉज वेरी वीक एंड टायर्ड लेकिन अंदर से वो कमज़ोर और थक चुका था ना कंटिन्यूइंग ही स्टॉक ही सैड दैट द वर्ल्ड वॉज ऑल रॉन्ग अपनी बात को जारी रखता है और वो कहता है कि दुनिया में सब कुछ गलत है ही एडमिटेड दैट ही हिमसेल्फ वाज टू ब्लेम फॉर हिस्स फेलियर और वो तस्लीम करता है कि वह अपने आप को ही अपनी नाकामी समझता है ही ही वेरी ग्रीडी एंड ट्राई टू चीट द पीपल उसने कहा कि वो लालची था उसने लोगों को धोखा देने की कोशिश की नाउ ना ही विश टू लिव पीसफुली इन अ स्मॉल कॉटेज अब वो छोटी सी एक झोंपड़ी में बहुत पुरस्कून तरीके से रहना चाहता है ही डिट वॉन्ट एनी मनी उससे किसी पैसों की जरूरत नहीं है द सन सेट दैट ही कुड सम मनी फॉर हिम उसका बेटा कहता है कि वो उसके लिए कुछ पैसे इकट्ठे कर सकता है दिस द कॉन्फिडेंस एंड ऑप्टमिज़म रिटर्न ये बात सुनते ही उसका जो अतमाद है उसकी रोशन ख्याली वापस लौट आती है कि बस रेडी और वह तैयार हो जाता है रादर इम्पोर्ट एंड टू तो मेक अ फ्रेश स्टार्ट ताकि वह दोबारा से एक नया स्टार्ट कर सके दिस स्टोरी शोज़ दैट हेरल्ड फादर वॉज इसेंशियली एंड ऑप्टमिस्ट और ये कहानी हमें यह बताती है कि वो काफ़ी हद तक जो है वो ऑप्टमिस्ट था ओके okay जी ये यहाँ तक इसकी कहानी है ठीक है आप यहाँ पे आगे कुछ क्वेश्चंस भी हैं अ कम्पेरेटिव करेक्टर स्टडी ये भी आप इसको पढ़ सकते हैं जिसमें कि डबल दोनों की जो है अगर हम दोनों का करेक्टर अलग अलग से देखें तो फ़ादर उसका जो है और उसका जो बेटा है जो अभी हमने स्टोरी में भी पढ़ा कि फ़ादर जो है वो बहुत ही कह लें कि एक ऑप्टिमिस्ट बहुत स्ट्रॉग पावरफुल उसकी पर्सनैलिटी है फिर ये कि वो कह लें कि वर्ल्डली सक्सेस और मटेरियलिज्म जो है उसको भी वो आ, बहुत प्रेफर करता है कॉन्फिडेंस है उसको बड़ा अपने ऊपर वो बिलीव करता है उसका बेटा जो है वो बहुत ही कंटेंटेड टाइप ऑफ़ अ पर्सन है जो मुतमिन है अपनी ज़िंदगी से और वो इतना ज़्यादा एम्बिशियस भी नहीं है उसकी इतनी हाई भी नहीं हैं और ये सारी चीज़ें भी आप इसमें जो है स्टोरी में जो हमारी समरी है उसमें आप लिख सकते हैं ठीक है और आ, जो लास्ट में है और इसकी और उनकी जो रिलेशनशिप है उसके बारे में भी हम समरी में बात कर सकते हैं कि जिस तरह तो जिस तरह से उसका जो फ़ादर है उसको क्रिटिसाइज़ करता है और उसको थोड़ी एडवाइस भी करता है लेकिन उसका जो बेटा हेरल्ड उसकी इंटायरली एक डिफरेंट कह लेंगे थिंकिंग है तो ये क्वेश्चन जो है ना आगे करंट में ही दिए गए हैं एक क्वेश्चन है यहाँ पे कंपैरेटिव करैक्टर स्टडी इसमें से भी आप थोड़ा सा मटीरियल आप समरी में ऐड कर सकते हैं अगर आप इसको बेहतर कर सकें अदरवाइज़ ही जितनी समरी मैंने पढ़ाई है वो भी बिल्कुल ठीक है आप उसको एज इट इज़ भी याद कर सकती हैं तो ये हाफ़ ऑफ करके आप दो दिन में पूरी समरी जो है इसको आप याद कर लें ये आपका आज का लेसन है ओके जी अल्लाह हाफिज़